हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज हम जौनपुर के जमैथा गांव में गोमती नदी के पुल पर हैं। यहां दो प्रसिद्ध मंदिर है, एक महर्षि जमदिग्नी परमहंस बाबा जी का और उनकी माता अखंड देवी, जिन्हें लोग गांव में अखड़ो माता बोलते हैं। आज हम दोनों मंदिर के आपको दर्शन करवाने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। यहां के लोगों का मानना है कि परमहंस बाबा इस नदी को अपने तप से पैदल पानी के ऊपर चलकर पार करते थे। आइए चलते हैं मंदिर के ओर। पुल के एक तरफ परमहंस जी का मंदिर है, दूसरी तरफ अखड़ो माता का मंदिर है। अब हम चलते हैं नीचे के ओर मंदिर की तरफ। यहाँ जो भी दर्शन करने आता है, पहले अखड़ो माता मंदिर के दर्शन करता है, फिर परमहंस बाबा जी के मंदिर के पास जाता है। तो हम भी वही करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि दो रास्ता है, एक अखड़ो माता मंदिर के लिए, एक परमहंस बाबा के लिए। फ्रेंड्स, हम पहले आपको दोनों मंदिर का लोकेशन और नदी दिखाना चाहते हैं, फिर हम आगे चलेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए कुछ लोग नहाने के लिए आते हैं। यहाँ पर मेला भी लगता है, बाबा जी का नहान सब बोलते हैं। वहाँ पर मनोकामनाएं पूरी करने के लिए वो नहाते हैं। वो देखिए फ्रेंड्स, परमहंस बाबा जी का मंदिर है और यह अखड़ो माता मंदिर है ऊपर। वहाँ देखिए, ये अखड़ो माता मंदिर है, जहाँ आज काफी भीड़ है। आज सोमवार है, इसलिए आज काफी लोग आए हुए हैं। फ्रेंड्स, अब हम भी दर्शन के लिए चलते हैं। फ्रेंड्स, अभी काफी भीड़ है मंदिर में, तो वेट करते हैं, हमें भी मौका मिलेगा जाने के लिए अंदर। तो फ्रेंड्स, फाइनली हम मंदिर के अंदर आ चुके हैं। आप सभी लोग भी अपना मन्नत मांग सकते हैं। अब हम दर्शन करके परमहंस बाबा जी की मंदिर की तरफ चलते हैं। आपको उनकी समाधि, गुफा और भी कई देवताओं के मंदिर मिलेंगे। फ्रेंड्स, तो हम परमहंस बाबा जी के मंदिर के पास आ चुके हैं। यहाँ भी काफी भीड़ है, लोग दूर दूर से आते हैं अपनी मन्नतें मांगने के लिए। देखिए एक और समाधि है। यह मंदिर का सबसे पिछला भाग है, बहुत ही पवित्र स्थल है, काफी अच्छा दृश्य है। यह सबसे अच्छा यह बात है कि यह नदी के एकदम पास में है। यहाँ पर शंकर जी का भी मंदिर है और आगे हम चलते हैं। तो हम दर्शन करके आगे की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर हमें बजरंग बली का मंदिर मिलता है। यहाँ पर भी हम दर्शन करके और आगे चलते हैं, तो हमें माँ दुर्गा जी का मंदिर मिलता है। उसके बाद हमको यह गुफा मिलता है, जहाँ पर बाबा जी ने समाधि लिया था। यहाँ उन्होंने अपना शरीर छोड़ा था। यहाँ के लोग बताते हैं कि वह एक महीने तक जलते रहे, उसके बाद अपना शरीर छोड़ा। और उन्होंने कहा था कि दीपावली के बाद, भाई दूज के बाद, यहाँ पर जो लोग भी मन्नत मांगेगा और इस नदी में नहाएगा, उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर एक मेला भी लगता है, जिसे बाबा जी का नहान कहते हैं। फ्रेंड्स, देखिए काफी सुंदर और पवित्र स्थल है यह। यहाँ पर आइए जरूर और अपनी मन्नतें मांगिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही।